नमस्कार, मैं हूँ मिली और हम भगवत गीता को डिटेल में पढ़ रहे हैं। आज का जो श्लोक है ना, वह श्लोक कर्म को समझने का एक तरह से कहा जाए कि फर्स्ट स्टेप है। चलिए पहले श्लोक देखते हैं और फिर उस चीज को समझते हैं। श्लोक ऐसा है, हम पढ़ रहे हैं अध्याय 2 और श्लोक नंबर है 46। चलिए देखते हैं। श्लोक है, सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। अब ये क्या था, भगवान ने बीच में ब्राह्मण की क्यों बात की? भगवान कर्म को समझा रहे हैं, भगवान ब्राह्मण को क्यों समझा रहे हैं? एक्चुअली ओरिजिनली जो ब्रह्म को जानता है ना, उसे किसी वेद को पढ़ने की जरूरत नहीं है। श्री कृष्ण स्वयं ये बात कह रहे हैं, उन्हें शायद पता ही होगा कि जो बात वे अर्जुन से कह रहे हैं वो आगे जाके उपनिषद में से एक मानी जाएगी, जिसे हम भगवद गीता कहेंगे। पर खैर, वो तो बात की बात थी उस समय के परिप्रेक्ष्य में देखे तो। पर तब भी भगवान ये कहते हैं कि जो ब्रह्म को जान लेता है उसके लिए किसी भी चीज को जानना आवश्यक नहीं रहता। जैसे आप एक बहुत बड़े तालाब के पास हो, तो छोटे छोटे तालाब अगर उसके आसपास होंगे तो उसका मतलब नहीं रह जाएगा आपके लिए। मतलब जैसे आपके पास ज्ञान का समंदर आ चुका है, तो आप फिर छोटे छोटे ज्ञान के तालाबों के पास कैसे जाएंगे? जब आपके पास श्री कृष्ण भगवान स्वयं बैठे होंगे तो आप किसी गुरु के पास क्यों जाएंगे? कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि आप देखिए आपके आसपास, आपने देखा होगा रामकृष्ण परमहंस, उन्हें परमहंस की उपाधि बहुत बाद में मिली थी, उससे पहले ही उन्हें ब्रह्म का साक्षात्कार हो चुका था। पर उस समय के कुछ पंडितों ने एक कहते हैं ना, उनका एक ओपिनियन था कि संस्कृत आना जरूरी है अगर आपको परमहंस की उपाधि चाहिए तो बाद में उन्होंने संस्कृत सीखी थी रामकृष्ण परमहंस ने। अगर हम बात करें श्री रमण महर्षि की, तो वे भी बहुत कम पढ़े हुए थे। मैंने जो उनकी जीवनी पढ़ी है उसमें ऐसा है कि एक 12 साल का बालक समाधि अवस्था को पहुंच जाता है, उसके घर में किसी की डेथ हो जाती है और उस डेथ को अपने ऊपर ट्राई करने की वजह से वे शवासन में सो जाते हैं और उन्हें पर ब्रह्म परम ज्ञान हो ही जाता है। कुछ ज्यादा पढ़े हुए थे नहीं, वो वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है वो बोल सकते थे। और उसके बाद तो ऐसा हुआ कि काफी सारी संस्कृत को भी वो आसानी से समझा सकने लगे। तो ये क्या था, सिंपल सी बात है, जो ब्रह्म को जान चुका है उसे वेदों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती। वो जानता है वेद कहाँ पर क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर बात अनुभव की हो रही है, जिसके पास अनुभव सबसे ज्यादा होता है वही ज्ञानी है। भगवान अर्जुन को यही कह रहे हैं कि तुम अनुभव को ले लो, तुम देखो छोटे छोटे कई युद्ध लड़े हैं, इतना बड़ा महान युद्ध जो बहुत सारे चेंजेस लेके आएगा, और तेरे सामने खड़ा है, लड़ने को तैयार खड़ा है, तू लड़ ले, पीछे मत हट, ये तेरे को इतनी सारी चीजें सिखाएगा जो तूने कभी सोची भी नहीं होगी। तो बात सिर्फ यही है, भगवान यही समझा रहे हैं कि जिस चीज का अनुभव आपको हो जाता है फिर उस चीज को किताबों में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जिसे तैरने का ज्ञान हो वो तैरा कैसा जाए उसकी किताब पढ़ने की उसके लिए कोई आवश्यकता रह जाती नहीं। भगवान भी यही कह रहे हैं कि अनुभव को प्राप्त हो जा, किताबें नहीं पढ़ेगा तो भी चले। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरी चैनल को, जिससे मुझे सपोर्ट मिलता रहे और आपका आशीर्वाद मिलता है। धन्यवाद।